आज हम इसमें फील्ड बुक जो बनाई थी, इससे पूर्व हमने सर्वे किया था, सेंटेप सर्वे, जरीफिता सर्वेक्षण, उसके आधार पर हम जो ये इस प्रकार का नक्शा हम बनाएंगे। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए, क्योंकि हर स्टेप आपके यदि मिस हो गई तो आप इस प्रकार आप अपना मैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने ये सर्वेक्षण के दौरान फील्ड बुक बनाई थी, यानी क्षेत्र पुस्तिका बनाई थी। तो इसमें हमने ये जरीब दूरी और बाईं ओर दूरी और दाईं ओर दूरी, यानी राइट ऑफसेट और लेफ्ट ऑफसेट हमने लिया था, और इसमें पेड़ पट्टी ये आए थे, कंपास नॉर्थ कंपास साउथ आए थे। तो अब आपको ध्यान है कि जरीब 30 मीटर की होती है, हमने जो जरीब प्रयुक्त की थी वो 30 मीटर लंबी थी, और यहाँ आप देख सकते हैं हमने दूरी वहाँ लिंक्स में पड़ी थी। लिंक्स का अर्थ होता है जो जरीब में कड़ी होती है उसको बोलते हैं, कि जो एक जरीब होती है वो 30 मीटर लंबी होती है, 20 मीटर भी हो सकती है, लेकिन जो हमने प्रयोग की थी सर्वे के दौरान वो 30 मीटर लंबी थी। और उस एक जरीब में 100 कड़ी, या उसको लिंक्स बोलते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे जो ये हत्था है, हत्था से लेकर ये यहाँ तक की बीच की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसको बोलते हैं लिंक्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमने सर्वे के दौरान जरीब प्रयुक्त की थी वो 30 मीटर लंबी थी, उसके अंदर 100 कड़ियाँ थी, और प्रत्येक 10 के ऊपर एक टैग थी इस प्रकार की। यह 10 और 90 को प्रयुक्त इंगित करती है, और इस प्रकार की टैग थी वो 20 और 80 को इंगित करेगी, और इस प्रकार की जो टैग 3 वाली वो 30 और 70 को, और जो 4 दांते थे वो 40 और 60 को प्रयुक्त करती थी, और एक गोल टैग थी वो 50 को इंगित करती थी, 50 लिंक्स उसमें। तो इस प्रकार तो ये 30 मीटर लंबी जरीब है और उसमें 100 कड़ियां हैं, जो एक टैग है वो 10 लिंक्स को प्रदर्शित करती है, लिंक्स का मतलब कड़ियां, और एक लिंक्स की लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर, क्योंकि कुल है 30 मीटर यानी 3000 मीटर, और एक की हो जाएगी 30, अपने आप ही हो जाएगी। और उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 30 में 100 का भाग देने पर 0.30 मीटर आता है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब है जो ये दूरी हम जिसे मैप बनाएंगे, वो दूरी हम लिंक्स में न लिखकर, इसमें देखो मीटर में लिखा है, यहाँ भी मीटर में लिखा है, लेफ्ट ऑफसेट और राइट ऑफसेट, मीटर में परिवर्तन इस प्रकार करेंगे कि 10 लिंक्स है, आपको ध्यान है कि एक लिंक्स 30 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसमें पहले 10 लिंक्स आया था, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.30 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर, तो यहाँ 3 मीटर हम अंकित कर देंगे, यहाँ ये हो जाएगा 3 मीटर। इसी प्रकार 20 लिंक्स है, उसको 0.3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर। तो इस प्रकार हम सभी दूरियां निकाल लेंगे, या मैंने ऑलरेडी निकाल लिए, मैंने दूरियां यहाँ लिख दी है। आप सर्वे करने के दौरान भी वहाँ कन्वर्ट करके सीधा आप जो ए स्टेशन से बी स्टेशन की दूरी है वो लिंक्स में न लिखकर मीटर में आप लिख सकते हैं, और उसके बाद भी आप लिखना चाहे आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो लिंक्स है उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस मैंने यहाँ लिंक्स को मीटर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एक लिंक है वो 30 सेंटीमीटर या
0.30 मीटर होता है, और इसको हमने गुणा करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है और हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसका जो फील्ड बुक से हम जो मैप बनाएंगे, जैसा कि चित्र में ए स्टेशन से ये बी स्टेशन की ओर जा रहे हैं, और हम इसमें मापने ले रहे हैं आरएफ 1:100। आपको ध्यान होगा कि आरएफ यानी निरूपक बीन है, प्रदर्शक बीन है, इसमें दोनों नाप 1 और 200 एक इकाई में होता है। तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर मानूं तो ये 200 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेमी बराबर 200 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर लिख दीजिए। तो हम अब जो दूरियां है कागज पर, तो हम सेंटीमीटर में खींचेंगे, और धरातल के ऊपर है वो मीटर में प्रदर्शित होगी। तो इसके आधार पर हम ये अब मैप है वो बनाएंगे। अब हमने एक सफ़ेद पन्ना ले लिया है, चार्ट ले लीजिए। चार्ट में आपको मापने 1:100 रखे तो ठीक रहेगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और यहाँ पेपर छोटा है इसलिए हमने मापनी 1:200 रखी है, आरएफ 1:200। तो 30 मीटर था, जरीब 30 मीटर है, तो उसका आधा लेना है, क्योंकि आरएफ है 1:200 है। तो इसमें हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे, तो 15 सेंटीमीटर की एक लाइन में आप पेंसिल से बनाइए, मैं परमानेंट मार्कर से बना रहा हूँ, आपको स्पष्टतया ये दिखाई दे वीडियो के अंदर। तो यहाँ अंकित कर दीजिए कि ये ए स्टेशन है और ये है बी स्टेशन, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है स्केल, वो बना लेते हैं। यहाँ कॉर्नर में स्केल बनाएंगे, तो मैंने गणना कर ली है, आरएफ 1:200 दिया हुआ है, अर्थात कागज पर 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर 200 होगा, क्योंकि आरएफ का यही नियम होता है कि दोनों राशियाँ 1 और जो 200 है वो दोनों एक ही इकाई में होती है। सेंटीमीटर है ये 1 है तो 200 भी सेंटीमीटर होगी, 1 मीटर है तो 200 भी मीटर होगी। तो कागज पर 10 सेमी, तो स्केल बनाने के लिए मैं यहाँ 10 सेमी की लाइन खींचूंगा। आप चाहे तो 15 सेमी, 20 सेमी, 12 सेमी, 8 सेमी कितने भी खींच सकते हैं, मैं 10 सेमी लाइन खींचूंगा या 10, ये ऑप्शनल है, आप कितने भी ले सकते हो, 10, 12, 15। तो यहाँ मैंने 10 लिया है, तो धरातल पर होगी 200, ये है 200 का 200 लिख दिया, और 10 से ये गुणा हो गया तो 2000 सेंटीमीटर हो गया, और 2000 सेंटीमीटर है उसमें 100 का भाग देने पर ये 20 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 सेमी बराबर 20, उत्तर 20 है ना, तो 10 सेमी बराबर 20 मीटर, ये हो गया कथनात्मक मापक। तो लाइन खींचनी है 10 सेमी की, और वो प्रदर्शित करेगी 20 मीटर को। तो चलो पहले स्केल बनाते हैं, उसके बाद हम ये बाकी कार्य करेंगे। तो आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है। इसके 10 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, स्वभावतः 10 किए जा सकते हैं, 5 किए जा सकते हैं, 2 किए जा सकते हैं, तो मैं यहाँ 5 टुकड़े करूँगा। इसको मैंने बीच से विभाजित कर दिया है, आप ही विभाजित कर लेना। मैंने ये 5 टुकड़े कर दिए हैं, आप भी इस प्रकार 5 टुकड़े कीजिएगा। तो इसको सेकेंडरी पार्ट, जो पहला पार्ट होता है सेकेंडरी पार्ट कहलाता है, गौण भाग कहलाता है, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वह प्राथमिक भाग, प्राइमरी डिवीजन, या प्राइमरी डिवीजन इसको बोलते हैं। इस पर आप अंकन कर लें,
जीरो, क्योंकि 20 मीटर को प्रदर्शित करती है, तो चार चार के चार, आठ, बारह, सोलह, और ये जो गौण भाग है, सेकेंडरी पार्ट है, ये चार का हो जाएगा, चार बीस हो जाएगा। तो इसके चार टुकड़े आप कीजिएगा, दो भी कर सकते हो। इस प्रकार इसके चार भाग हो गए। यदि आप मीटर में रखना चाहते हो तो यहाँ से एक दो तीन चार मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो इनको 100 से गुणा करके 100, 200, 300, 400 रख दें। डेसीमीटर में रखना चाहते हो तो 10, 20, 30, 40 रख दीजिएगा। तो हम ये सेंटीमीटर में रखेंगे तो मैं सेंटीमीटर लिखूँगा। तो इस प्रकार आप जो गौण भाग है वो सेंटीमीटर में 100, 200, 300, 400 लिख दीजिएगा और सेंटीमीटर अंकित कर दीजिएगा, इस तरफ मीटर अंकन कर दीजिएगा, और ये RF प्रदर्शक दिन है 1:16 लिख दीजिएगा। और इसको एकांतर क्रम में आप रंगना चाहे तो इसको ब्लैक एंड वाइट रंग दीजिएगा। इस प्रकार आपकी मापनी तैयार है। इस वीडियो के माध्यम से आपने मापनी बनाना भी, सरल मापनी बनाना भी सीख लिया है। अब इसके बाद हम मैप बनाना प्रारंभ करेंगे। मैंने यह 15 सेंटीमीटर लाइन क्यों खींची, यह आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो एक सूत्र याद कीजिएगा, आपको जब कोई भी कागज पर लंबाई निकालनी होती है तो यहाँ एक सूत्र दे रखा है मीटर सेंटीमीटर के मामले में। कागज पर जो माप निकालने के लिए धरातल का माप है, क्योंकि जरीब आपको जानकारी होगी 30 मीटर लंबी है। जरीब कितनी मीटर लंबी है? 30 है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और RF का हर आपको ध्यान है, यहाँ RF कितना दिया हुआ है, 1:200 दिया हुआ है। तो यहाँ मैं गणना करके बताऊंगा कि ये 15 मीटर की मैंने जो 30 मीटर है उसको 15 सेंटीमीटर की लाइन किस प्रकार खींचा। तो धरातल का नाप यानी जरीब कितनी है, 30 मीटर है, गुणा उसको सूत्र में दिए गए 100 से गुणा कीजिएगा, और RF का हर कितना है, 200 है। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये 2 आएगा, 2 ये काटेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कागज पर नाप है वो 15 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए मैंने जो ये जरीब है इसको कागज पर प्रदर्शित करने के लिए, ए और बी से प्रदर्शित करने के लिए हमने इसको 15 सेमी की लाइन खींची। आप देख पा रहे होंगे ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है। इसी प्रकार इसी सूत्र से जो ये फील्ड बुक का जितना भी एरिया है ये सब इसी सूत्र से आप ज्ञात करके इसमें लिख दीजिएगा। तो ये सूत्र आपको कॉपी में नोट कर लें, ये बहुत उपयोगी सूत्र है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि हम ए स्टेशन से चलेंगे, ए स्टेशन है, ए स्टेशन से चलेंगे तो बी स्टेशन की ओर चलना है, ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर चलना है। तो जरीब के ऊपर जरीब दूरी है 3 मीटर, कितनी दूरी है, 3 मीटर। तो 3 मीटर ये धरातल पर है, कागज पर निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कीजिए तो अपने आप ये 1.5 सेंटीमीटर में आ जाएगी। इस सूत्र से गणना के लिए करना है आपको, तो ये 1.5 आएगी, जैसे मैंने 30 वाला किया था ना उसी प्रकार इसका गणना करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर है। आपको जो स्केल है उससे नापना है, 1.5 यहाँ आ रहा है। और इस फील्ड बुक को देखते जाइए, अब बाईं ओर जो ऑफसेट, जो लेफ्ट साइड ऑफसेट दूरी है, एक पेड़ है और यह है 4 मीटर 4.91 मीटर है। तो इसको कागज पर प्रदर्शित करेंगे, इस सूत्र से आप निकाल लीजिएगा, निकाल लिया कैलकुलेटर से तो ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब बाईं ओर 2.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिएगा। तो बाईं ओर
2.4 की लाइन खींचनी है, ये 2.4 है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो ये 2.4 की लाइन मैंने खींच दी। और किनारे पर पेड़ है तो आप यहाँ पेड़ बना दीजिएगा, सुंदर सा पेड़ है वो बना दीजिए। इस प्रकार आप एक पेड़ का अंकन कर सकते हैं। दूसरी जो नाप आया है इसमें देखिएगा, इस जरीब पर चलिए, जरीब के अंदर 6 मीटर के ऊपर एक है कंपास नॉर्थ, कंपास के द्वारा, ट्रप कंपास के द्वारा हमने नॉर्थ का निर्धारण किया था, वह आ रहा है 7.31 मीटर है। तो इस सूत्र की सहायता से आप इसको गणना करके और यह नापना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसकी दूरी 3.6 सेंटीमीटर आ रही है, बाईं ओर लिखना है क्योंकि ये बाईं ओर है, सी एन कंपास नॉर्थ, और ये जरीब दूरी होगी इसकी आधी होगी, तो ये 3.6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का आधा 3, 6 मीटर है, तो आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि कागज़ पर हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, तो यहाँ 3 नापू, 3 पर चिन्हित कीजिए, और जो दूरी आई थी 3.6 सेंटीमीटर बाई ओर, तो इसको 3.6 ये बाई ओर अंकित आपको करना है इस प्रकार। यहाँ वो बाद में निशान बाद में बनाऊंगा, इसे अगली दूरी में ले लेता हूँ। जरीब दूरी है इसको आधा, जरीब दूरी आई है 3.6 सेंटीमीटर, तो जरीब पर नापते हैं 3.,  यहाँ आ रहा है, तो यहाँ चिन्ह अंकित कर दिया मैंने यहाँ। और अब इसकी लेफ्ट ऑफसेट दूरी यानी कि बाईं लंब दूरी नापते हैं, जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे ये कंपास साउथ है, 5.98 है, इसकी हम गणना करते हैं। ये आया 2.99 यानी 3 सेंटीमीटर मान सकते हो, 3 सेंटीमीटर की यहाँ एक लाइन खींच देते हैं हम यहाँ, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इस प्रकार हम लाइन खींच देते हैं। और अब आपको वो जो रेंजिंग रोड है धरातल पर आपने हमने रखा था उसको अंकित करना है, इस प्रकार दोनों को मिला दीजिए, और यहाँ तीर का बना निशान बनाना है। यह था कंपास नॉर्थ और यह था कंपास साउथ, और इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको आगे बढ़ाइएगा, और इसी के आधार पर आपको नॉर्थ अंकन करना है। तो इस प्रकार आप ये नॉर्थ, इस कागज पर नॉर्थ अंकन हो जाएगा। इसी स्केल को आगे बढ़ाते हुए जो आपने धरातल पर ट्रप कंपास द्वारा निर्धारित किया था, ये गणना के द्वारा इस प्रकार आप आ जाएगा, और इसको स्केल की सीध में जो किनारा है इस तरफ का, इस पर आपको नॉर्थ अंकन करना है। अब अगला नाप हम लेते हैं, अगला ये 13.2 है जरीब दूरी, जैसा कि देख पा रहे हैं जरीब पर 6.6 सेंटीमीटर आएगा, तो इसको मैं यहाँ से देखिएगा ये अंकन कर देता हूँ, 6.6, ये 6.6 का अंकन हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दाई ओर आया है, तो इसका पेड़ का जो चित्र है वो 9.46 मीटर के ऊपर गणना करके हम दाई ओर बनाएंगे। अभी तक बाई ओर चल रहा था, ये दाई ओर है, इस दाएं और बाएं का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो मैं इसकी गणना करता हूँ, ये आया है 4.7 सेंटीमीटर,
क्योंकि 7-3 यानी 73 है वो स्केल पर पढ़ा नहीं जाएगा, तो उसकी जगह 7 ही पढ़ेंगे। तो 4.7 दाई ओर ऑफसेट दूरी अंकन करते हैं, यह हो गया 4.7। इस प्रकार हम यह अंकन कर देते हैं, और इस पर जो पेड़ था वो पेड़ का चित्र भी बना लेते। मैंने यहाँ पेड़ का प्रतीकात्मक चित्र बना दिया है। ध्यान दीजिए कि इसमें सब जो चित्र है या प्रतीक है वो उत्तर मुखी होना चाहिए, उत्तर की ओर मुख होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर दिशा यहाँ बता रही, तो ये ऊपर की ओर ही होना चाहिए। अगली दूरी है ये 22.5 मीटर है, जो कि गणना करने पर 11.2 आया। यहाँ मैंने अंकन कर दिया है, जिसकी एक बाई ओर यानी लेफ्ट ऑफसेट है उसको गणना करने पर हमको दर्शाना है 3.7। 3.7 ये 7 है, इसको हमने दर्शा दिया है यहाँ। और एक वो पट्टी थी, उसका चित्र इस प्रकार आप बना दीजिएगा। ये अब अंतिम लक्ष्य, ये 23.7 मीटर है, ये दाई ओर एक पेड़ है उसको दर्शाना है। तो इसकी मैंने गणना कर ली है, तो ये दाई ओर दर्शाएंगे, जिसकी गणना करने पर 11.85 आया है, तो मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ 11.8। और ये राइट साइड तरफ है एक पेड़ है, उसकी ऑफसेट दूरी में अंकन गणना करके करूँगा। 4.39 सेंटीमीटर आई है गणना करने पर, तो 4.4 उसको ले लेंगे हम। तो यहाँ भी उसका अंकन पेड़ के रूप में मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप अपना ये चैन टेप सर्वे का मैप है वो बना सकते हैं, और इस पर ये संपूर्ण मैप इस प्रकार आपके सामने, ये ए बी जरीब है, और इसमें हमने ये मापनी दर्शा दी, ये नॉर्थ दर्शा दिया। इस पर नाम लिख देंगे और संख्या सारणी यहाँ इस तरफ बनाएंगे, तो संख्या सारणी और नाप हम लिख रहे हैं। यहाँ संकेत सारणी बन रही है, क्रम संख्या लगा दीजिए, नाम लिख दीजिए और उनका चिन्ह बना दीजिए। पेड़ है तो इस प्रकार आप पेड़ बना सकते हैं, और यहाँ जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी बना दीजिए इस प्रकार, यहाँ बनी हुई थी ना ये पट्टी, और नॉर्थ बना हुआ था तो इस प्रकार आप नॉर्थ ये अंकन कर दीजिए, और फाइनली इसके ऊपर आप नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार हमारा चार्ट तैयार हो गगया है। सबसे ऊपर आप जरीब फिता सर्वेक्षण नाम लिख दीजिएगा मोटे अक्षरों में, और यह एक जरीब रेखा पर है, क्योंकि हमने एक जरीब मैट्रिक चैन ली थी, चैन टेप। तो और साथ में जहाँ सर्वे किया है उस स्थल का नाम आप अंकित कर दीजिएगा, नॉर्थ है, वो भी अंकन हो गया है। जो इस जो CS और CN के अनुदिश होगा उसी दिशा में होगा। हमारी स्केल भी रेडी है और संख्या सारणी भी रेडी है। इस प्रकार आप अपना चैन टेप सर्वे का चार्ट है वो तैयार कर सकते हैं। वीडियो में आप को जो बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए एक बार आपको पुनः धन्यवाद। और हमारा प्रयास आपके समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका एक शेयर उनके लिए लाभप्रद हो वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, इसी प्रकार के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।